the differential between the simple interest and compound interest on a certain sum of money for 2 years at 4% per annum is 4. The sum is. Rate of 4%. कितना difference है? 4. तो rate का square कितना हो गया? 16. ठीक है ना? तो formula क्या है? Difference की जगह लिखा 4. Principal हमें निकालना है. Principal हमें बोला है, पूछा है. Into r square. R square यानी 16 upon 10,000. यहाँ से कटेगा तो क्या आएगा? देखो ये 4, 16 कटेगा तो क्या आएगा? 4. अब answer क्या है? 4 है ना? यहाँ पर 4 है देखो. ये 4 क्या है? यहाँ पर 1 आएगा. यहाँ पर 4 है. 4 क्या है? 2 का square. तो जो answer होगा ना, वो 5 का square की form में आएगा. 25 की form में. Option देख लो, जिसमें 25 होगा वही answer होगा. ठीक है? वैसे option बोलना एक बार क्या क्या है? 2500. हाँ. 2400. हाँ. 2600. हाँ. 2000. तो सीधी बात है, मैंने आपको बताया ये 2 का स्क्वायर है, तो आंसर है 5 का स्क्वायर 25, यही आंसर होगा. सॉल्व कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ये देखो क्या आएगा, ये 10,000 बाय 4 कितना आ जाएगा? 2500. ठीक है ना?